हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये सेकंड पार्ट है हमारा गणेशा ड्रेस की स्टिचिंग का। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको उसका ड्राफ्टिंग एंड कटिंग दिखाया था। सो ये मुशक की ड्रेस है और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। जो हमने मेन फैब्रिक पे लाइनिंग रख के जो हमने स्टिचिंग लगी थी, मैंने आपको बताया था इस साइड से स्टिच करना है और फ्रंट ऊपर से नहीं करना है, वैसे ही हर पार्ट में हमने स्टिचिंग कर ली है। लाइनिंग के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और अब हम इसे पलट के निकालेंगे। सो हमारी जो स्टिचिंग जितनी भी स्टिचिंग है वो अंदर की साइड में रहेगी, इससे हमारी जो लुक है ड्रेस की वो काफ़ी अच्छी लगेगी और हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। उससे पहले हम लोग नोचिस लगा लेंगे। जो कट हम लगा रहे हैं वो हमें स्टिचिंग लाइन पे नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटे छोटे कट लगा दीजिए। इससे जब हम फैब्रिक को पलटेंगे तो अच्छे से फैब्रिक पलट जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा दिखेगा। मैं आपको इस पार्ट में करके दिखा रही हूँ। ये धोती का मिड वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से फिर हम सीधा करेंगे। ये देखिए अभी सीधा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका आपको सही तरीके से दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें इसे आयरन करना होगा। इस आयरन करने से इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और जो कॉर्नर्स हैं उसका ध्यान रखें, अच्छे से उसे पहले बाहर निकाल लीजिए। सो अब आप इसे देख पा रहे हैं। अब हम इसे प्रेस करेंगे और इसके ऊपर की स्टिच लेंगे फैब्रिक पे। यहाँ से स्टिच करेंगे हम इसे, कॉर्नर्स अच्छे से निकालें ताकि जो लुक है वो अच्छा आए। सो ऑल ओवर हमें यहाँ स्टिच लगानी है, एक स्टिच करना है। और देन मैं इस पे जो लेस लगाने वाली हूँ वो ये है, इस तरीके से मैं इस पे लेस लगाऊंगी। आप चाहे जो लेस लगा सकते हैं, मैंने इस पे कॉन्ट्रास्ट मल्टी कलर लेस लिया है। साथ में मैं ये रेड है तो मैं इस पे ग्रीन कलर की एक लेस लगाऊंगी। ये धोती के दोनों पार्ट पे भी मैंने सीधा करके इन पे स्टिच लगा ली है, ये दोनों साइड पार्ट से धोती के। देखिए इन्हें मेजर करते हैं, हमने 13.25 लिया था जो कि हमने विथ सेविंग अलाउंस लिया था 1 इंच का। तो अभी देखिए हमारा 12.25 पे ये आ रहा है। और अब हम इसमें 2 इंच की प्लीट्स डालेंगे। इसमें हमने 2 इंच का प्लीट का लिया था तो अब हम उसकी 2 इंच की प्लीट डालेंगे। ये वाला एरिया हमारा बीच में आएगा, यहाँ पे 1/2 इंच हमने छोड़ा है। 1/2 इंच हम अंदर जो ओवरलैप करेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। उस 1/2 इंच को छोड़ के हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। सो 1/2 इंच प्लस 4 इंच हुआ 4.5 इंच। यहाँ से देखिए 11 point something आ रहा है, मैं इसे इस तरीके से नाप रही हूँ। तो सो 4 इंच लगा लिया मैंने, टोटल मैंने 4.5 पे लगाया है। ऊपर की साइड जो निशान लगा रही हूँ मैं 4.5 पे। उसके बाद में 2 इंच का हम लोग हमें प्लीट लेना है तो मैं 2 इंच पे और लगाऊंगी 1 इंच, और देन अगेन 1 इंच, 1-1 इंच पे वापस लगा दिया मैंने। टोटल 2 इंच पे मार्क किया है मैंने। ये जो प्लीट हम लोग लेते हैं, अगर आपको सीखना है किसी भी मूर्ति का साइज़ बड़ा छोटा होता है, तो जो आप नाभि वाला जो सेंटर होता है वहाँ से आप घुटने तक का मेजरमेंट ले लीजिए। वहाँ पे घुटने पे प्लीट आना चाहिए ताकि ड्रेप जो है धोती का वो अच्छा है, अच्छा रहे और अच्छी तरीके से बैठे। अब जैसा कि हमने उस वाले पार्ट में लगाया था, वैसे इसमें 1/2 इंच पे हम ओवरलैप के लिए लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से 4.5 इंच ले रहे हैं और उसके बाद हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1 इंच प्लस 1 इंच। तो इसमें भी मैं 2 इंच यहाँ पे निशान लगा लूँगी, 1 इंच फिर आगे और 1 इंच पे। टोटल 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है क्योंकि हमें प्लीट्स लेनी है इसकी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लीट कैसे लेना है। अभी जो निशान हमने लगाया था, प्लीट कैसे लेनी है, इस निशान पे ही हमें प्लीट लेनी है जो
प्लीट का जो पीछे वाला पार्ट है जो इधर वाले निशान पे आएगा और आगे वाला पार्ट उस वाले निशान पे आएगा। देखिए पीछे का आ रहा है सेम उसी पे, और आगे वाला जो हमने आगे वाला निशान लगाया वहाँ पे आ रहा है। प्लीट हमें अंदर की तरफ लेनी है, अंदर की तरफ से मेरा मतलब है जो पैर के दोनों बीच की साइड आना चाहिए प्लीट, बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। ये देखिए जिधर हम मिड पार्ट लगाएंगे उसके सामने दोनों प्लीट्स आनी चाहिए। सो इसमें भी हमने उसी तरीके से लिया। लगभग ये 2 इंच की प्लीट मेरी 0.6 इंच पे आ रही है। और अब देखिए ये जो हमारे पट्टे है गले का, इसको भी मैंने सीधा करके स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से ज्वाइन करूँगी ताकि हमारा पट्टा अच्छे से लंबा हो जाए। यहाँ हमें स्टिच लगानी है, इसके बाद हम इसे पलटेंगे और फिर से स्टिच लगाएंगे जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से वापस यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। जो मैंने मल्टी कलर लेस ली है वो मैं इस पर सिंगल लाइन में ही लगाऊंगी क्योंकि पट्टा हमारा पतला है। इस पर ब्रॉड लेस लगाएंगे तो ये अच्छा लुक नहीं आएगा। ये देखिए अब मैंने इस पर जो प्लीट्स हैं वो स्टिच कर ली हैं और मैंने धोती का पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है। सो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि पार्ट ज्वाइन कैसे किया है। हम इसके हाफ़ में हमने ज्वाइन किया है, जो भी धोती का मिड वाला पार्ट था, ये दोनों साइड वाले पार्ट थे, इन्हें एक दूसरे पर ओवरलैप करके हाफ़ तक मैंने स्टिच लिया है और हाफ़ हिस्सा मैंने इसका खुला छोड़ा है। सो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से आप स्टिच करें और आधा हिस्सा इसमें खुला रखें। ये देखिए मैंने यहाँ से छोड़ा, यहाँ हम लेस लगाएंगे जहाँ से मैंने जितना पार्ट स्टिच किया उसको छोड़ने के बाद जो जगह बचती है वहाँ। अब ये जो प्लीट्स हैं इन्हें हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे तो अच्छे से ये बैठ जाएंगे। अभी खड़ी खड़ी दिख रही हैं। और यहाँ से हम लोग लेस लगाएंगे यहाँ तक। और जो मिड वाला पार्ट है उसमें भी हम लोगों ने प्लीट डाल दी है क्योंकि हमें 4 इंच रेडी चाहिए था और हमने ऑलमोस्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच लिया था। हाफ हाफ इंच तो हमारे सिलाई में चला गया, बाकी बचा 6 इंच, तो 6 में से 2 इंच का हमने वैसे ही प्लेट डाला है जैसे ऊपर दोनों साइड में हमने डाला है, वैसे ही इसमें बीच वाले में प्लेट डाला है। अब हम हमारी धोती का जो विड्थ है वो नापेंगे ताकि हम इसका वेस्ट बैंड बना सकें। जो वेट थे वो ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है, जैसे मैंने 20.5 लिया था बट यहाँ पे मेरा 21 इंच आ रहा है रेडी होने के बाद, तो थोड़ा बहुत सिलाई में ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा हो जाता है। सो अब जो हम वेस्ट बैंड लेंगे वो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको 1 इंच का वेस्ट बैंड लेना है तो आपको उसका डबल और उसमें 1 इंच और प्लस करना होता है ताकि आप हाफ हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में डालें। 1 इंच का ले सकते हैं या फिर 1.5 इंच का ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 2.5 इंच 2 इंच तक ले सकते हैं। और अगर आपको लेंथ कम रखनी है तो आप 1 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगी लगभग 1.25 इंच, मुझे लेने की इच्छा इसमें लग रहा है क्योंकि देखिए मैं इसे मेजर कर रही हूँ तो ये 8.5 पे आ रहा है, तो 1/2 इंच इसका सिलाई में जाएगा तो 8 पे आ जाएगा। और मैं इसमें 1.25 इंच का ऊपर का वेस्ट बैंड बनाना चाहती हूँ, तो 1/2 + 1/2 हुआ 2.5, एंड उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी फॉर सेविंग अलाउंस दोनों साइड में, तो मेरा आएगा 3.5 पे। तो मैं इसकी विड्थ जो है फैब्रिक की वो लूँगी 3.5 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आ रहा है एग्जैक्ट 20 21 आ रहा है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूँगी, 22 लूँगी ताकि दोनों साइड में मुझे फोल्ड करना है वो मैं करूँगी। सो 3.5 मैं चौड़ाई ले रही हूँ उस कपड़े की। सो ये मैंने स्ट्रिप काट ली है वेस्ट बैंड के लिए, एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये लेस भी लगा ली है, किस तरीके से लगाई वो भी आप देख सकते हैं। हाफ से मैंने शुरू करके यहाँ पे लेस लगाई है और मैंने 3 लेस लगाई है, एक तरीके से 2 साइड में लगाई है और 1 बीच में लगाई है, और बीच वाले पार्ट पे मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में लेस लगाई है ग्रीन कलर की और उसके आसपास सेम लेस लगाई है। सो अब मैं आपको वो पट्टी रख के दिखाती हूँ। पट्टी का हमारी जो विड्थ है वो 3.5 है,
3.5 एंड जो विड लेंथ है वो है, ये देखिए मैं इसे हाफ कर रही हूँ तो हमारा आएगा सवा इंच, सवा इंच की हमारी ये पट्टी आ जाएगी। और अब हम इसको लगाएंगे, इसकी विड्थ लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी धोती का जो कमर वाला हिस्सा वहाँ मैं आपको बता रही हूँ वापस 21 इंच, और हमने लिया है फैब्रिक 22 इंच हमने लिया है हाफ अब इंच फोल्ड करने के लिए। तो मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ दोनों साइड से, देखिए यहाँ यहाँ स्टिच लगाना है हमें और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। देन इसे फ्रंट में रखेंगे हम, फिर हाफ इंच का जो हिस्सा है वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे और फिर इसे प्रेस्ट पलटेंगे एंड देन वापस हाफ इंच मोड़ के हम लोग सिलाई लगा लेंगे। सो हमारी जो पट्टी है ये इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। सो गाइस, स्टिच करने के बाद, रेडी होने के बाद ये हमारी धोती ऐसी लगती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैंने ये जो धोती में डालने के लिए मैंने ये नाड़ा बनाया है, इसकी जो लेंथ है वो हमारी जो फुल वेस्ट थी उससे थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने ताकि हम बांध सकें। इसके साथ ही मैंने एक ये छोटी सी मूषक की ड्रेस बनाई है जो कि बहुत ही ईजी है। ये एक बेसिकली लहंगा जो हम बनाते हैं उस टाइप से ही बनाई है मैंने इसे, नॉर्मल सिलेंड्रिकल स्टिच किया है और इस तरीके से ये है। यहाँ से मैंने इसे फोल्ड किया कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेके और उसमें मैंने एक डोरी डाली है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।